मैं रीता जैन श्लोक नंबर 91 से 98 तक की समरी कर रही हूँ। अहिंसा अनुव्रत के पश्चात आचार्य सत्ता अनुव्रत का स्वरूप बता रहे हैं। लौकिक दृष्टि से सत्य बोलना कठिन होता है, सत्य कड़वा होता है और जिस असत्य से कुछ अच्छा होता है वह उसके बोलने में कोई दोष नहीं है। जबकि असत्य का पाप तो हिंसा से भी बड़ा है। हिंसा को तो हम समझते हैं, पाप मानते हैं, करके दुख होता है, पर झूठ बोलकर हमें लगता ही नहीं कि हमने झूठ बोला है या कुछ गलत हुआ है। हिंसा होने पर प्रायश्चित ले लेते हैं पर झूठ बोलने पर नहीं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव जो कहता है वह झूठ ही होता है, क्योंकि उसका ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। वह ज्ञान एकांतवादी है, उसका ज्ञान नयों से प्रतिपादित नहीं है। यदि वह सत्य भी बोल रहा है तो वह असत्य ही है। जिन आगम में जो सत्य का स्वरूप बताया गया है उसके विपरीत यदि कोई शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो वह असत्य है। मैं मार रही हूँ, मैं बचा रही हूँ, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। आगम कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। आचार्य के अनुसार परमार्थ के योग से प्राणों का व्यारोपण हो तो हिंसा होती है, और परमार्थ के योग से जो भी असत्य वचन कहने में आता है वह असत्य है, और परमार्थ में कषाय मिथ्यात् अज्ञान सब गर्भित है। यह असत्य चार प्रकार का होता है। पहला, सत्य का अपलाप करना, अर्थात सत्य को ढक देना। जो वचन सत्य को ढक रहे हैं उसे प्रकट नहीं कर रहे वह असत्य वचन है। जैसे देवदत्त घर पर नहीं है, इस या दूसरे शब्दों में कहें तो अस्थि को नास्ति रूप कहना। दूसरा भेद है असत्य का उद्भावन, जो नहीं है वह बताना, ऐसे असत्य को प्रकट कर रहा है या नास्ति को अस्थि रूप कहना। उदाहरण देकर बताया है यहाँ घड़ा है। तीसरा रूप है अन्यथा प्ररूपण, था कुछ और वस्तु को अन्य रूप कह दिया, बता दिया। इसका उदाहरण दिया है कि बैल को घोड़ा कहना। असत्य का चौथा भेद है गृहित वचन, जो वचन अपने दोष को छिपाने के लिए, दूसरों की निंदा करने के लिए और जिन बातों वचनों से हिंसा हो बहुत सत्य बोलने वाले होकर भी कठोर ही कहलाते हैं। इस चौथे भेद के भी तीन भेद किए गए हैं। पहला है गृहित वचन। गृहित वचन होते हैं निंदा रूप हास्य वचन, कठोर वचन, मिथ्या श्रद्धान वाले वचन, प्रलाप रूप वचन, अर्थात जो व्यर्थ है या उल्टा सीधा बोलना, उत्सूत्र वचन, शास्त्र के विरुद्ध वचन नहीं बोलने चाहिए, इनका श्रद्धान नहीं करना चाहिए, इनका दोष हमें ही लगेगा। दूसरा भेद है सावध्य युक्त असत्य। छेदन, भेदन, मारन, शोषण, व्यापार, चोरी करने आदि के वचन कहने में आए, ये सब पाप रूप असत्य वचन हैं, क्योंकि इनसे प्राणियों का घात होता है। पाप युक्त वचन सावध्य वचन कहलाते हैं। इसका तीसरा भेद है अप्रिय। आचार्य ने अप्रिय असत्य का स्वरूप इस प्रकार कहा, जो वचन दूसरे जीव के लिए अप्रीतिकारक हैं, भय कारक हैं, खेद उत्पन्न करने वाले हैं, वैर शोक और कलह करने वाले हैं, अन्य जीव को दुख देने वाले, वे सब अप्रिय झूठ के वचन कहलाते हैं। ये चारों प्रकार के वचन हमने देखे, ये सब पाप रूप वचन असत्य ही हैं। हमें ऐसे वचनों का दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ऐसे वचन हिंसा के लिए प्रेरित करते हैं। मन में वचन में आने पर भावों में वैसा ही आने लगता है, और यदि काया में भी आ जाए तो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती हैं। देश काल स्थिति का विचार करके और सामने वाले की पात्रता देखकर वचनों को बोलना ही उचित है। इस प्रकार आचार्य ने इस असत्य के एक देश त्याग को सत्य अनुव्रत कहा है। धन्यवाद।